नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव सीख देख रहे हैं। इस वक्त हम गर्दनीबाग के धरना स्थल पर हैं। जो महिलाएं यहां पर धरना देने आई थी, विरोध प्रदर्शन करने आई थी सरकार के खिलाफ, कहा यह जा रहा है जिस तरीके से हैदराबाद में महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ है और जिंदा जला दिया गया, उसके बाद महिलाएं जब आएँ तो उनके साथ व्यवहार गलत किया गया है, क्या हुआ मैडम? एडीएम कृष्ण कन्हैया सिंह अपने आप को बोले, जो मैं एडीएम कृष्ण कन्हैया सिंह यहाँ से आप लोगों को हटने के लिए कहते हैं। जब हम लोगों ने कुछ भी नहीं कहा तो वो आए, पूरे टेंट को फाड़ने लगे और हमसे आके हाथापाई करने में, हमारे कपड़े फट के, भद्दी गालियाँ, बुरा व्यवहार, सबों को मैंने इतनी भद्दी गालियाँ दी जिसका कहना नहीं है, गलत को अफसर जो है वो गालियाँ दे रहे हैं। गाली नहीं दिए, हाथापाई किए जिसमें हमारे कपड़े भी फट गए। और उन्होंने कहा, जो मैं एडीएम कृष्ण कन्हैया सिंह बोल रहा हूँ वो है कौन? देखिए, महिलाओं के साथ लगातार अगर इस देश में प्रदर्शन हो रहा है तो व्यवहार जो है वो बुरा किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जो है इस पर विरोध जता रहे हैं। लगातार हम दिखा रहे हैं महिलाओं के कपड़े फट गए हैं, उन्होंने बताया भर दिए एडीएम द्वारा ये किया गया है, सरकार क्या कर रही है? अब ये मैं नहीं था, ये वीडियो है सर। ये लोग बेटियों को, बलात्कारियों को बचाने की मानसिकता क्यों? माओ के तरह कानून क्यों नहीं? शूट एंड साइड का कानून क्यों नहीं? मैं जानना चाहता हूँ। सीधा मार देना चाहिए। माओ के तरह कानून क्यों नहीं? कब तक कैंडल जलेगा? या तो फांसी दो, जब आत्मा और आस्था के नाम पर अयोध्या का निर्णय आ सकता है तो फिर आत्मा और आस्था के नाम पर बेटियों के बचाने का निर्णय क्यों नहीं हो? संविधान जब हमारी आस्था है और लोकतंत्र, तो जब आप मंदिर का निर्णय दे सकते हैं आत्मा और आस्था पर, तो बेटी को बचाने का निर्णय आत्मा और आस्था पर क्यों नहीं? ऐसा नहीं समाज में इससे शांति और सौहार्द बिगड़ेगा क्या? कह रहे हैं सीधा शूट एंड साइड कर दो, जब आपको फांसी नहीं, मावा चीन में सौहार्द बिगड़ गया क्या? जब हमारी घर में बेटी को जला दिए जाएंगे, जब मारे जाएंगे तब है ये शांति है क्या? ये जब आप बलात्कारियों को टिकट दोगे उसकी बीवी को, और पार्टी में जब बलात्कारियों को एमएलए में रखोगे सेब के अंडा की तरह, जब टीवी पर दिखेगा सेक्स रैकेटर नबल अनवारुल सुखदेव और उसको वोट देगी जनता, बलात्कारियों को टिकट देंगे संगर चिन्मय आनंद, कितने एमएलए पूरा का पूरा पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हो, तो क्या होगा? कौन बेटी सुरक्षित होगी? आज ये लड़ाई आर पार की है। आप एसपीडी ट्रायल की शुरुआत करिए, चाहे हैदराबाद हो, चाहे वो आजमगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मोहनिया हो, चाहे झारखंड हो, चाहे राजगीर हो, चाहे मोतिहारी हो, हम न्याय चाहते हैं। हम सिर्फ न्याय चाहते हैं, दो सप्ताह के अंदर या तो दीजिए, या तो कैंडल जलाने की प्रॉपर्टी खत्म हो, बलात्कारियों की जलाने की प्रॉपर्टी शुरू हो। देखिए, एक नई रीति की शुरुआत होने जा रही है, कहीं ना कहीं जो महिलाएं आक्रोशित हैं उनके खिलाफ पप्पू यादव भी हैं और महिलाओं के समर्थन में है, लेकिन सिस्टम के खिलाफ पप्पू यादव हैं और महिलाएं भी आक्रोशित हैं। इन सभी तस्वीरों को आप लगातार अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। विरोध जब प्रदर्शन करने आया उस वक्त का नज़ारा क्या था? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।